हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जोधपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। दोस्तों, मौसम ने फिर से पलटी मार दी। मैं इतने अच्छे से सारी चीज़ें वापस से रीअरेंज करने लग गई थी जो हमने बारिश में सब इधर उधर कर दी थी, लेकिन क्या ही मैं बोलूँ, जैसे मैं थोड़ी सी मेहनत करती हूँ वैसे ही मौसम जो है पलटी मार देता है। मैंने इतने अच्छे से अपना लॉन जो है सजाया, मैंने थोड़े से प्लांट्स लाए और झूला हम लोगों ने निकाल के रख दिया था, क्योंकि जो हमारा रोशनदान है उसके ऊपर से बहुत ज़्यादा पानी आता है। आड़ी टेढ़ी जो बौछारें आती है ना, उसकी वजह से नीचे तक पानी आ जाता है तो पूरा झूला जो है भीग जाता है। फिर वो फोम लगातार भीगता रहे तो सड़ जाता है, धूप तो लगेगी नहीं। तो मैंने जो है देखा, दो तीन दिन अच्छी खासी धूप हो रही है, मैंने वापस से झूला लगा दिया, खूब बढ़िया धुल के साफ करके चकाचक करके मैंने जो है लॉन और सुंदर सा ब्यूटीफुल प्लेस बनाया कि चलो अब यहाँ पे थोड़ी सी चाय वाय पी जाएगी और थोड़ी सी हल्की हल्की जो ठंडक आती है ना उसमें यहाँ बहुत अच्छा लगता है। और मैंने यही सोचा था कि मैं और उत्कर्ष यहाँ पर टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन जैसे ही मैंने सारा सब सेटअप किया, आज तो जो झमाझम बारिश हुई है कि मुझे लगा कि मैं वापस से सारी चीज़ें हटा दूं, क्या करूं, बाप रे, मत पूछिए। लेकिन फिर भी प्रतीक्षा करती हूं, हो सकता है ये बस आज भर के लिए है, निकल जाए उसके बाद पानी फिर से। तो ऐसे ही सब लमसम चल रहा है और नॉइस पोल्यूशन के लिए सॉरी। हाँ, आज जो है मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल चीज़ शेयर करने जा रही हूँ। वो स्पेशल क्या है, सभी महिलाएं जो हैं, जितनी भी सभी गृहिणियां हैं, वो सब जानती हैं कि हमारे जो स्पाइसेस होते हैं हमारी कुकिंग में उनका कितना बड़ा हाथ होता है, जो कि सभी गृहिणियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितनी भी हाउसवाइफ हैं, जितनी भी घर की महिलाएं हैं, वो सब जानती हैं कि हमारी रसोई का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे स्पाइसेस, जिससे हम अपने खाने का जायका बढ़ाते हैं। लेकिन हमें हर महीने अपनी रसोई की सफाई करनी पड़ती है, हर हफ्ते हमें अपनी जो मसालदान होती है उसे अरेंज करना होता है, अपने स्पाइसेस को ठीक से अरेंज करना होता है। कुछ स्पाइसेस ऐसे होते हैं जिनकी स्मेल बहुत जल्दी उड़ जाती है, अगर हम उसे खुला रख दें तो उनकी स्मेल उड़ जाती है। कुछ स्पाइसेस ऐसे होते हैं जो महीनों रखे रहते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं पड़ता है, बल्कि हर बार हम लोगों को निकालने में भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम ज़्यादा स्टॉक भर के रख लेते हैं। मैं अपने किचन में कैसे स्पाइसेस को अरेंज करती हूँ वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और मैं आप लोगों को सलाह दूँगी कि आप सब लोग ये स्पाइसेस एवरी डे ज़रूर से यूज़ कीजिए, क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखें, एक बार YouTube का पन्ना पलट के देखिए, तो आपको मैक्सिमम घरेलू टिप्स, घरेलू नुस्खे, इन्हीं सबसे भरा पड़ा मिलेगा पूरा का पूरा YouTube वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि इनकी जो है सबसे ज़्यादा इस समय डिमांड है, और वाकई में जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, जितनी तरह की तकलीफें हो रही हैं, इन सभी नुस्खों से ही उनको आराम आ रहा है। कहीं ना कहीं चाइनीज़ की वजह से और थाई फूड की वजह से, मोमोज, ये वो सारे दुनिया भर के फूड की वजह से हमने इनको दरकिनार कर दिया था। हमारे किचन में जो है चिंग चैन चाइनीज़ जो है उसने जगह बना ली, मैगी मसाला तो ये मसाला तो वो मसाला, ये सॉस वो सॉस, हम लोग इस तरह का खाना खाने के आदि हो गए। तो कहीं ना कहीं ये स्पाइसेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी, लेकिन आज के डेट में ये इतने फ्रेश स्पाइसेस डालो तो जायका ही कुछ और आता है, किचन की खुशबू ही कुछ और होती है, अरोमा ही कुछ और होता है। तो चलिए मैं वहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले लेके चलती हूँ कि मैं कैसे अरेंज करती हूँ। दोस्तों, अपनी रसोई में मैं 2 से 3 तरह के मसालदान रखती हूँ। ये वाला जो है इसमें मैं पूरे के पूरे गरम मसाले साबुत जो होते हैं वो रखती हूँ, तोड़ के छोटे छोटे पीसेस में, यहाँ तक कि तेज पत्तों को भी मैं कट करके रखती हूँ। और ये स्पाइसेस एवरी डे हमें अपने खाने में, दाल सब्जियाँ सब में डालने चाहिए थोड़े थोड़े, क्योंकि ये बहुत अच्छे फ़ायदा करते हैं। और इन्हीं को अगर आप भूनकर अच्छी तरह से ग्राइंडर में पीस लें तो आपका गरम मसाला तैयार हो जाएगा, लेकिन हर वेजिटेबल में हर तरह का मसाला नहीं जाता है, इसलिए इसको अलग अलग करके मुझे रखना होता है। पूरे स्टॉक में से इसे निकालना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इनकी खुशबू भी इधर उधर हो जाती है, अगर ये ज़रा भी खुले रह जाएंगे तो इनकी खुशबू ख़त्म हो जाएगी। ये ब्लैक जीरा होता है दोस्तों, ये कश्मीर में सबसे ज़्यादा चलता है, तो ये मुझे केवल मसाले के साथ बड़ा ज़रा सा मिला है, मैं उसे भी रख लूँगी, बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल मैं नहीं करती हूँ, हम अपना नॉर्मल जीरा ही इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। बाकी ये जो बाकी के गरम मसाले हैं ये सब मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, चाहे वो चक्री फूल हो, दालचीनी हो, तेजपत्ता हो, कुछ भी। तो इस तरह से मैं इसे रख लेती हूँ। वीकली मुझे इसे ज़रूर से फिल करना पड़ता है, क्योंकि एक हफ्ते में इतना मसाला मेरा लग जाता है। दाल सब्जी जितने भी तरह की होती है सब में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और तेज पत्ते को मैं कट करके रख लेती हूँ, क्योंकि बड़े पत्ते इधर उधर उचट के चले जाते हैं, सो मैं उन्हें पीसेस में कट कर देती हूँ, हाफ हाफ कर देती हूँ। और वो तो वैसे भी हम लोग तड़का लगाते हैं, या कभी कुछ बॉईल करते टाइम भी मैं उसमें इसे डाल देती हूँ, सो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। एक तो ये मसालदान मेरा रेडी हो गया। सेकंड मसालदान हमारा नॉर्मल जो होता है रेगुलर मसालों का,
हल्दी, धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला या सब्ज़ी पाउडर, जो भी कुछ आप लोग रखते हो वो भी मेरा होता है। और मेरे साथ यही है कि ये सारे मसालों की स्पून्स मुझे अलग रखनी होती है, क्योंकि इसका उसमें, उसका उसमें हो जाता है। तो मसालों को रखना भी एक कला है, मुझे यही समझ में आता है कि कभी कभार जो है जीरे में राई मिल गई, छोटी छोटी मेथी दाना मिल गया तो बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी हम केवल जीरे का तड़का लगाना चाहते हैं, तो सभी चीज़ें एकदम अलग होनी चाहिए। हल्दी की चम्मच में हमेशा हल्दी लग जाती है, या मिर्च की चम्मच में हमेशा मिर्च पाउडर लग जाता है, तो उसे एकदम अलग रखना चाहिए। सो 2 से 3 चम्मच, अगर आप वुड वाली चम्मच इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ मैं तो स्टील की चम्मच ही इस्तेमाल करती हूँ, छोटी छोटी सी जो इसके साथ आई हैं। सो ये सारे मसाले मैं इसमें डालकर रख ले रही हूँ। इसके अलावा जो है मैं मिर्च पाउडर एकदम अलग सेपरेट रखती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मिर्च पाउडर का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। जो हरी मिर्च होती है उन्हीं को हम सुखा कर इस्तेमाल करते हैं, तो फ्लेवर भी अच्छा आता है और वो ज़्यादा नुकसान भी नहीं करती है। सो बस यही कुछ खास मसाले हैं, और हर मसाले की अपनी एक खासियत है, हर मसाले का अपना एक गुण है, और ये सारे के सारे गरम मसाले हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि गरम मसाले, गरम गरम पेट में जो है गरम गरम हो रहा है, कुछ नहीं होता है, आप इनको खाइए, आपकी बॉडी इसे सेट कर लेगी और ये फ़ायदे आपको ज़रूर से मिलेंगे। तो इन्हें अपनी डाइट में शामिल कीजिए। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। थोड़ा सा आपको अपना लॉन दिखाती हूँ जो मैंने अरेंज किया है, बाकी एक पूरा फुल वीडियो मैं बनाऊँगी अपने लॉन के ऊपर, क्योंकि मुझसे किसी ने बोला है कि थोड़ा थोड़ा आप अपने घर को दिखाइए, हम लोगों को होम टूर कराइए। तो मैं पूरा प्रॉपर होम टूर नहीं करा सकती हूँ अभी आपको, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है और किचन में भी बहुत सारा काम चल रहा है, रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है किचन का पूरा, हम लोग सब चेंज कर रहे हैं। तो जब वो फाइनलाइज हो जाएगा, पूरा अच्छे से बन जाएगा, तब मैं आप लोगों के साथ उसे शेयर करूँगी। और मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि घर के हर कॉर्नर को एक दिन में ही मैं कैप्चर कर लूँ, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है वो जानने के लिए आप मेरा अगला व्लॉग देखिएगा। एक ही व्लॉग में सारी बातें नहीं बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा जो भी मैं जानती हूँ, जो भी मैं करती हूँ, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपके ये काम की वीडियो रही हो तो इसे आप ज़रूर से शेयर कीजिएगा। आप लोगों में से जो लोग नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। तिनका तिनका चिड़िया लावे, ऐसे अपना घर वो सजावे, जर्रा जर्रा तू भी जोड़ के एक करोना बना। बूंद बूंद बनती है सागर, धागा धागा बुनती चादर, धीरे धीरे तू भी अपना जीवन सजा। राही का तो काम है चलता ही जाए, सैयावे सैयावे सुन सुन स